चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जीएसटी कर रहे थे, और जीएसटी बीच में क्लास इंटरप्ट हो गया और काफी सिस्टम का भी इशू आ गया था। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स से जीएसटी को स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है टैक्स। जीएसटी काइंड ऑफ टैक्स है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है ना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपको सर्विसेज मिलती है, जैसे आपको रोड मिल रहा है, आपको पार्क मिल रहा है, आपको स्ट्रीट लाइट मिल रहा है, आपको सरकारी हॉस्पिटल मिल रहा है, आपको इसके साथ साथ एक सरकारी स्कूल मिल रहा है जिसके लिए आप एक नॉमिनल पेमेंट करते हो, इन सभी पे भी खर्चा होता है। तो इस खर्चे को रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों से टैक्स के रूप में पैसे कलेक्ट करते हैं और इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि भाई उनको कोई खर्च करना है तो बहुत सारा पैसा वो खर्च कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले टैक्स कलेक्ट करेगी और उसके बाद करेगी। अब गवर्नमेंट के पास भाई टैक्स कलेक्ट करने की कहाँ कहाँ से रास्ते हैं? दो रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने के। दैट इज, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सर इन दोनों में क्या फर्क है, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में? बहुत सिंपल सा फर्क है, बहुत सिंपल सा चेंजेस है। डायरेक्ट टैक्स मान लेते हैं गवर्नमेंट जिसको आपको टैक्स देना है, और ये आप, अगर आपको टैक्स देना है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके टैक्स दोगे, और गवर्नमेंट को आपसे कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली आपसे पूछोगे, आपके बीच में कोई मीडियम नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट और एक बीच में आ जाएगा पर्सन, दैट इज शॉपकीपर, जिसे दुकानदार बोल देते हैं, और इसके बाद आप यहां पे होंगे। इसमें आप टैक्स का पैसा इसको दोगे और ये जाके टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पैसा गवर्नमेंट के पास तो जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली ना जाके कैसे जा रहा है, ये इनडायरेक्टली जा रहा है। तो ये मेजरली डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स को ना हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, इनकम टैक्स 1961, ये हमारा एक्ट है, जो कि आप सेमेस्टर नंबर 5 में स्टडी करोगे, डिटेल पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। सर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कितने टैक्सेस आते हैं? जैसे नंबर वन सेल्स टैक्स, नंबर दो वैल्यू एडेड टैक्स, नंबर तीन सर्विस टैक्स, नंबर चार एक्साइज ड्यूटी, नंबर पांच एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड मल्टीपल मोर, बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। जैसे आपने कई बार कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आप मान लेते हैं लेज या चिप्स का पैकेट, उसके पीछे जब आप देखोगे तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। कभी नोटिस करना, जैसे किसी चीज पे देखोगे तो लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब अगर आपसे 15 रुपए वसूला जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि 2 रुपए टैक्स है, तो इसका मतलब आप जब इसे 15 रुपए दोगे तो 15 रुपए ये अपने पास नहीं रखेगा, ये 13 रुपए अपने पास रखेगा, और 2 रुपए किसको दे देगा? जाके गवर्नमेंट को। That's all, क्योंकि आपको सामान बेचा गया है तो इस टाइप के टैक्स को बोलते हैं सेल्स टैक्स। अगर आपको सामान नहीं बेचा गया, सिर्फ सर्विस दिया गया है, तो उस टाइप के टैक्स को क्या बोलेंगे? सर्विस टैक्स। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स वगैरह पे हमारा लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस हैं हमारे, जो कि बहुत सारे टैक्सेस हमारे हुआ करते थे और है भी, सिर्फ कुछ टैक्स अभी भी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसके अंदर जब इतने सारे टैक्स थे ना, तो सबसे पहले आप समझना बातों को, एक जो दुकानदार था, एक शॉपकीपर था,
अगर ये दुकानदार सपोज करो कि बुक्स भी बेच रहे हैं और कोचिंग भी दे रहे हैं, किताबें भी बेच रहे हैं कोचिंग भी, तो जब वो बुक्स को बेच रहा है, किताब बेच रहा है कोई भी टीचर, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाता था, और जब उसे टीचिंग कर रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। यानी एक टीचर को पढ़ाने के साथ साथ दो चीजें याद रखनी है कि भैया सेल्स टैक्स को कब हमें गवर्नमेंट को जमा करना है और सर्विस टैक्स को हमें कब गवर्नमेंट को जमा करना है। इसका मतलब सर, इसका डेट अलग है और इसका डेट अलग है, पहला पॉइंट समझना। दूसरा पॉइंट सर, इन दोनों के अगर डेट्स अलग हैं तो इन दोनों के ऑफिसर और डिपार्टमेंट भी अलग होंगे। सेल्स टैक्स का प्रॉपर अलग डिपार्टमेंट और सर्विस टैक्स का एक अलग डिपार्टमेंट, तो हमें दो जगह मल्टीपल जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे और दो डेट पे हमें सारे काम करने पड़ते थे, जो कि एक दुकानदार को मेनली फोकस होना चाहिए अपने टीचिंग और बुक सेलिंग पे, लेकिन वो इन चीजों में उलझ जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो बाहर से जब भी कोई इंडिया में काम करके आना चाहता था तो वो देखता था इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल टैक्स है। अब अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी के ऊपर 10 टैक्स अप्लाई होता है, इनकम टैक्स भी है ही है, इनकम टैक्स अलग से लग ही है, अगर 10 टैक्स अप्लाई होता है आपके ऊपर, तो आपको 10 के 10 डेट याद रखने, आपको 10 के 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर कोई भी दिक्कत आती है, गड़बड़ी आती है पॉइंट्स में या डिजिट में या फिर फिगर में, गवर्नमेंट को लगता है कि सही नहीं कर, 10 और डिपार्टमेंट को आपको अलग अलग दिमाग कर, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, इन सभी चीज के लिए ना एक ही डिपार्टमेंट बना दिया जाए, एक ही डिपार्टमेंट बना दिया जाए और एक ही जगह सब कुछ कर दिया जाए एक छत। तो दैट इज बोला गया इसमें दो ही टैक्स है, एक गुड्स और एक सर्विस है। तो यहाँ पे देखा गया कि इसका नाम रख दिया गया, न्यू नाम रखा गया है, वही टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम बदल दिया गया है, सारा वही एग्जैक्ट सब कुछ वही, बस नाम बदल के गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जीएसटी। लेकिन जीएसटी आना इतना आसान नहीं था, इसको बदलने में आसान लगता है कि इनको गवर्नमेंट ने कर दिया। इसकी जो बात है ना जीएसटी लाने की, बहुत पुरानी बात है। अगर मैं जीएसटी को देखूं तो सबसे फर्स्ट टाइम पे जीएसटी जो फ्रांस के अंदर आया था और ये 1954 के अंदर आया। अब जब जीएसटी वहां पे अप्लाई हुआ, मैं हिस्ट्री बताऊं जीएसटी का, क्योंकि वहां पे भी पैसे मल्टीपल था, तो उन्होंने अप्लाई किया सक्सेसफुल, फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन सभी ऑफ किया, ऑफ करने के वहां भी सक्सेस हो गया। फिर फर्स्ट टाइम हमारा जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि जीएसटी आना चाहिए। तो जीएसटी आना चाहिए, तो उस वजह से उन्होंने क्या कहा था ना कि जीएसटी तो आना चाहिए, तो भाई जीएसटी आएगा कैसे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। उन्होंने एक इसके लिए बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड बना दिया, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि भाई तुम एक काम करो और जीएसटी के ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन करके मुझे रिपोर्ट दो कि इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं कि ना। इसके देने के बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट जो था बीजेपी का, सरकार गिर गया था, फिर कांग्रेस ने उसका ध्यान नहीं चला गया, फिर पी चिदम्बरम ने फिर बोला कांग्रेस की सरकार ने कि भाई जीएसटी आना चाहिए, और जो रिपोर्ट उन्होंने बोर्ड बनाया था उन रिपोर्ट को आगे मद्देनजर रखते फॉलो कर रहे। फिर देखा गया कि भाई फिर सरकार क्या होगी, ज्यादा सस्टेनेबल नहीं, 2010 साल हो गया निकल, फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई और इन टाइम के ड्यूरेशन में फिर से गवर्नमेंट आ गई बीजेपी। अब इन्होंने जीएसटी लाना चाहा, लेकिन जीएसटी आ नहीं सकता था, जीएसटी में बड़ी सारी दिक्कतें। दिक्कत क्या थी, जो ये टैक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सारा का सारा जो टैक्स होता है, ये सारा टैक्स, ये सारा का सारा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मैं बोलूँ तो जैसे कि हमारे सेंटर में प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के अंडर कंट्रोल में रहता है सारा का सारा टैक्स का, इनकम टैक्स।
इन टैक्सेस में से कुछ सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए स्टेट के पास, कुछ सेंटर के पास। जैसे अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो ये स्टेट के पास होता था, ये स्टेट के पास, ये सेंटर के पास, ये सेंटर के पास, ये स्टेट के पास। तो कुछ स्टेट के पास जो होता था स्टेट अपना उससे खर्चा चलाता था। और गवर्नमेंट क्या चाहता था, जब जीएसटी बने तो ये सारा कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाए, और ये तो पहले से था नहीं। तो जो स्टेट वाले व्यक्ति थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा सारा का सारा कंट्रोल किसके पास चले जाए, सेंट्रल के पास चले, कभी नहीं चाहते। जब वो कभी नहीं चाहते कि सेंटर के पास जाए, और आपको पता है कोई भी लॉ या कोई भी कानून बनने के लिए दो जगह से आपका पास होना जरूरी है, एक है हमारा पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा, और एक है हमारा राज्यसभा जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। दो जगह से पास आउट होना बहुत जरूरी है। उसमें है 1DQ कर गया है कोई। हाँ, वाला जी नहीं होता वो 1DQ कर गया है। क्या कह रहे हैं, हो जाएगा सारा, इसमें कुछ नहीं आ नहीं, वो मील वाला चल गया है। ठीक रिंगस का दिल्ली, लेकिन दिल्ली में करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ। तो सर हमारे दो डॉक्यूमेंट में बात कर रहा था, जैसे कि अगर कोई भी कानून बनाना है तो जीएसटी लाना है, तो लोकसभा जो होता है ना उसके अंदर प्रधानमंत्री के सारे पर्सन बैठे होते हैं, और जब प्रधानमंत्री बनता है ना तो 51% अगर उसके लोकसभा में मेंबर हैं तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो भाई प्रधानमंत्री ने तो 51% वोटिंग उसकी है, तो लोकसभा के अंदर हमारे क्या होता है, कानून पास हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में तो स्टेट वाले करेंगे, और राज्यसभा में अगर पास नहीं हुआ तो कानून कभी बन नहीं सकता। यानी जरूरी हो गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास होगा। तो 2014 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो लोकसभा के अंदर तो ये बिल पास हो गया था कि जीएसटी होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में नहीं पास होगा। ठीक 3 साल बाद 2017-16 तक बहुत सारे इलेक्शन हुए जहां पे बीजेपी की सरकार आ गई स्टेट के अंदर, बहुत सारे स्टेट, चाहे आपका मुंबई हो चाहे हरियाणा हो और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर, और वो राज्यसभा में बिल पास हो गया, और इस तरीके से जीएसटी को बनाना पॉसिबल हो पाया। क्योंकि स्टेट वाले क्या चाहते थे, स्टेट वाले चाहते थे कि हमारे राइट्स कुछ चीज, तो उस टाइम भी पास नहीं हो रहा था, बड़ी सारी दिक्कतें हुई थी। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो आपका जो है ये कहां से फर्स्ट टाइम जो जीएसटी 1954 के अंदर अक्रॉस 160 कंट्री, 160 कंट्री, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, फ्रांस के अंदर 160 कंट्री में था। सम टाइम कुछ टाइम के बाद जीएसटी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, इटली, स्पेन, इन सभी ने भी ऑफर कर लिया, जैसे मिजोरी है और बाकी टोटल 160। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब थी तो तभी आया था, जब पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कमेटी बनाया था जीएसटी को बनाने, लेकिन और इसको देखने के बाद 2004 में जो 2004 इनका जो कमेटी का नाम था ना, था केलकर टास्क फोर्स, ये नाम रखा था केलकर टास्क फोर्स, कंक्लूड जीएसटी इंप्लीमेंट इंप्रूव सेंट्रल टैक्स। इन्होंने एक कमेटी ने 2004 में रिपोर्ट सौंप दी, 2000 में बनाया, 4 साल इनको रिसर्च करने लगे, उन्होंने रिपोर्ट बना दिया 2006 में, 4 में बीजेपी की गवर्नमेंट जा चुकी थी, 2006 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने 2006-07 में बोला था भैया जीएसटी आ जाना चाहिए 2010 से, 2010 से जीएसटी आ जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 2010 के बाद 2014 में तो गवर्नमेंट नहीं चली थी, 10 में इन्होंने सोचा था प्लान करेंगे लेकिन 10 में प्लान हो ही नहीं पाया, और फिर वो चला गया गवर्नमेंट 2014 में। अगेन उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहता है कि भाई कुछ चीजों में बदलाव हो ही नहीं सकता, कि जो स्टेट के पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनको तो बोला गया था राज्य को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो ये इन जगहों से चाहिएगा और ये मिलना जरूरी है,
उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया 2022 जो अमेंडमेंट हुआ था, बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और वो पास नहीं हुआ 2014 क्योंकि सरकार ने इतने सारे कह दो होंगे। 2015 में जीएसटी बिल वॉज पास इन लोकसभा में बट नॉट पास इन राज्यसभा। रीजन ये था 2015 में की सरकार बीजेपी की थी, तो 14 में लोकसभा में भी 15 में वही राज्यसभा, फिर जीएसटी अटक गया। इसके बाद फिर 2016-17 में, 2016 में अमेंडमेंट आया, बिल पास राज्यसभा क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। और राज्यसभा में क्यों नहीं पास हो रहा था समझ पा रहे, क्योंकि वहां के लोग क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि भैया हमारा राइट क्यों छीना जा रहा है। तो जब 2016 में पास हुआ, अल्टीमेटली मार्च में सब कुछ होके अप्रैल, यानी अप्रैल के अंदर 4 जी डिसाइड हुआ 2016 में, हाँ ना करते करते 17 के अंदर डिसाइड होते होते जुलाई, 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 से ये पास आउट हो गया। अब यहाँ पे सहमति क्या बनी है, सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले अपने राइट छोड़ने को कैसे तैयार हैं। गवर्नमेंट ने बोला देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप जीएसटी की बात कर रहे हो, तो राइट की बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि जीएसटी में आपके राइट मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन हम अब इसका एक ही उपाय निकालते हैं कि जो भी इस तरीके से जीएसटी टैक्स, क्योंकि कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मान लेते हैं जो भी पैसा हम आधार कमा, यानी मान लेते हैं कि अगर 18% का टैक्स कलेक्शन होता है गुड्स के ऊपर 100 रुपए पर 18 रुपए, तो 9 रुपए सेंटर ने बोला कि हम रखेंगे और 9 रुपए स्टेट ने बोला हम रखेंगे, ठीक है, आधार मान रहे। तो कई जगह पे स्टेट को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने समझाया कि देखो हम भी अपना 50% सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे पास पहले पूरा सर्विस टैक्स आता था, हमारे पास पहले पूरा एक्साइज आता था, तो अब हम भी अपने आधे में से तो आधा दे, दोनों में मिलकर सेक्रीफाइस कर। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब आपको नुकसान हो रहा, आपका राज्य पहले बहुत अच्छा चल रहा था, पहले बढ़िया था, पहले इतने पैसे आ रहे थे, लेकिन अब नहीं चल पा रहा, तब भी मैं आपको पैसे दूंगा, आपको एक कंपनसेशन दिया करो हर साल एक अमाउंट। तो कई बार आप देखते हो जैसे कहीं बाहर वगैरह जाता है तो आप देखते हो मुक्ति कहते हैं कि मैंने वहां पे 10,000 करोड़ रुपए दिए था कि वो लेकिन कई जगह पे देखा जाए, तो उसमें एक मतलब मिनट्स हम जब बुक करेंगे तो उसमें चांसेस है कि बीच में कोई आएगा ना, इसलिए तो मैं बुला लूंगा। तो आपको कह रहा था सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब इसके अंदर क्या बोला गया है, बोला स्टेट, हमारे इंडिया को अगर बात करें ना, इंडिया अब तो इंडिया रहा नहीं, भारत हो गया, लेकिन अभी भी इंडिया की हम अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ना दो तरीके के होते हैं,
एक होता है स्टेट, एक होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी अब इसमें फर्क क्या है? स्टेट के अंदर ना आपका चीफ मिनिस्टर जिसे सीएम बोलते हैं वो होता है, और यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई सीएम नहीं होता, यहां पे गवर्नर होता है। अल्टीमेटली जो यूनियन टेरिटरी होता है कहीं ना कहीं इसको चलाने का जिम्मेदारी होता है सेंटर का, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंटर। तो भारत के अंदर काफी सारे यूनियन टेरिटरी भी है। तो जो स्टेट है, स्टेट के अंदर दो टैक्स लग गया, स्टेट के अंदर जो पैसा आया वो दो लोगों में बच गया, किस किस में बच गया? सेंटर में और स्टेट। लेकिन यूनियन टेरिटरी में क्या होगा? अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा, जैसे अंडमान निकोबार, वहां पे कभी इलेक्शंस नहीं होते मुख्यमंत्री के, सेम देखा जाएगा आपका तो अभी आपका ये बन गया ले लद्दाख, वो भी न्यू बना है, एक दादर दीव, तो ये क्या था, दादर एंड हवेली, दमन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग था, इनको मर्ज कर लिया गया है, तो इन सभी को एक यूनियन टेरिटरी माना गया। तो बोला गया भैया यूनियन टेरिटरी के अंदर चलाने की जिम्मेदारी क्या है? मानते हैं मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन चलाएगा तो गवर्नर। तो बोला गया यहाँ भी जो भी टैक्स आएगा वो दो टुकड़े में बट जाएगा, दैट इज किस किस में बटेगा? वो बट जाएगा एक यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी में और एक सीजीएसटी में। यानी यहां पे भी जो भी सेल परचेज से टैक्स कलेक्ट होगा उस केस के अंदर जो भी पैसा आएगा आधा हम गवर्नमेंट को देंगे, हम बोलेंगे तुम अपने हिसाब से चलो, मुख्यमंत्री का ही काम करता है गवर्नर। आपने कई बार सुना होगा राष्ट्रपति शासन लग गया, अगर दिल्ली के अंदर भी मान लेते हैं कि केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि गवर्नमेंट हो गया, तो कुछ दिनों तक दिल्ली में भी क्या था कि कोई भी नहीं था वहां पे, एलजी, आपने नाम सुना हो कई बार, तो एलजी सारा काम। तो ये कुछ हमारा मैकेनिज्म है। तो यानी सर जीएसटी अगर स्टेट में है तो ये तो ठीक है फंडा, लेकिन अगर स्टेट में ना हो यूनियन टेरिटरी में हो तब वहां पे दो बातें और आ जाती है, क्या क्या? सीजीएसटी और आपका यूटीजीएसटी, ठीक है? यानी मैं सिंपली पॉइंट में समझाऊ, समझिएगा कि अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी अगर मैं बात करता हूं स्टेट में, और अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी में, यूटी लिखा हूं, ठीक है? तो स्टेट में दो प्रकार के टैक्स लगेंगे सर, कौन कौन सा लगेगा? एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा हमारा एसजीएसटी, और यहां कौन सा लगेगा? यूटी जीएसटी, और एक लगेगा सीजीएसटी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहा? यहाँ दो प्रकार, जो भी टैक्स होगा उसका हाफ हाफ रेट हो जाएगा। हम अभी धीरे धीरे सारे डिस्कशन पे चले गए, ठीक है? अब मुद्दा पता है ना, फर्स्ट गया बोला गया जब जीएसटी लगेगा ना, जीएसटी लगेगा तो ओनली लगेगा सेल्स में, खरीदने पे नहीं लगेगा जीएसटी, यानी सप्लाई पे लगेगा, सप्लाई का मतलब बीच। तो जहां से गुड सेल होगा तो वहीं पे जीएसटी लग जाएगा। अब पंगा क्या आया कि मान लेते हैं हम यूपी और मान लेते हैं दिल्ली। अब आपको अच्छे से पता होगा यूपी और दिल्ली में, यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग जगह है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, दिल्ली में बहुत कम है जहां फैक्ट्री होती है, ऑलमोस्ट हटाई है जो दिल्ली में फैक्ट्री थी भी, उसको कहां भेज दिया गया, उसको भेज दिया गया कुछ को गुड़गांव और कुछ नोएडा चले गए, और गुड़गांव चले जाता है हरियाणा और नोएडा चले जाता है यूपी। तो अब होता क्या था, अगर यूपी सेल करता था और किसको सेल करता था, दिल्ली को, तो जो सेल का पैसा था वो पैसा किसके पास जाता था इस सिचुएशन में, जब एक राज्य से दूसरे सेम राज्य में दिक्कत नहीं है तो ये पैसा चले जाता था यानी यूपी के सीएम। तो दिल्ली का अगर देखा जाए तो दिल्ली का तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा,
क्योंकि डेली कोई सामान तो बना नहीं रहा, तो वहां से खरीद के फिर यहाँ पे बेच रहे हैं, फिर डेली का रेट क्यों? तो यहाँ पे केजरीवाल क्या करे, केजरीवाल के पास बताओ टैक्स का पैसा आएगा या नहीं आएगा? इस केस में तो नहीं आएगा, अगर ना डेली का सामान डेली में बिक रहा है तो आएगा, लेकिन वहां से आएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टेट और स्टेट में लड़ाई हो गई। केजरीवाल ने बोला हम दिल्ली से यूपी से सामान ही नहीं खरीदेंगे, जब हमें वहां सामान खरीद के कोई टैक्स ही नहीं मिलेगा, अब ये खरीदे यूपी से सामान। सेम बात, अब यहां पर लड़ाई होने के बाद अब दिल्ली अगर कोई सामान बेचता है यूपी को, क्योंकि ऐसा नहीं है दिल्ली में, ये तो एक होलसेल मार्केट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे क्लॉथ हो, बहुत सारी चीजें दिल्ली के होलसेल, सदर बाजार पूरा होलसेल है, दिल्ली कुछ भी बेचता है तो सेल्स जो जीएसटी है वो किसके पास जाएगा? केजरीवाल के पास। अब यूपी का गवर्नमेंट पूरे करेंगे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, मैं भी ऐसा ही करूंगा कि मैं कभी भी दिल्ली से सामान ही नहीं खरीदूंगा, तो वहां से मेरा टैक्स ही नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भैया वहां से सामान खरीदोगे तो मैं यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दूंगा। तो एक तरीके से स्टेट वॉर छिड़ गया, यानी ये दोनों में दिक्कत, पता है यूपी का सामान जब यूपी में बेच रहे हैं तो दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जब दिल्ली के सामान दिल्ली में बेच रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं है, जब दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो जहां से सामान बिक रहा है वो तो बहुत खुश हो रहा है कि मेरे पास तो टैक्स आ गया, जबकि वहां के लोग कंज्यूम उसको नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे राज्य का जो है वो बोल रहा है मेरे पास रेवेन्यू आ गया। अब मान लो सपोज करो दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग है, दिल्ली हरियाणा और यूपी और मान लेते हैं हर जगह से सामान ही सामान खरीदे, तो दिल्ली के रेवेन्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारा से ऐसे सिचुएशन में क्या करा, इनकी लड़ाई को निपटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जब एक राज्य से दूसरे राज्य यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर कोई भी काम होता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है, तो इस टैक्स का पैसा ना तो हम दिल्ली को देंगे और ना ही मैं यूपी को दूंगा, इस टैक्स का पैसा मैं खुद रखूंगा, सेल्फ मैं रखूंगा, तुम्हारी लड़ाई का टेंशन ही खत्म, यानी ना तो मैं तुम्हें ले रहा हूं ना तो तुम्हें तुम्हें तो तकलीफ, यूपी को ने तकलीफ तो तब है जब दिल्ली को पैसा मिल रहा है, दिल्ली तो मैं तकलीफ तब है जब यूपी को पैसा मिल रहा है, अब यूपी और दिल्ली के अंदर ट्रेड भी हो रहा है, दोनों में से किसी को तकलीफ नहीं किसी को पैसा नहीं, और ये पैसा किसके पास चला गया, सीधा सीधा हमारा सेंटर के पास, दैट इज आप मान के चलो, यानी दो लोग लड़ रहे हैं फायदा बीच में सेंटर को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब ये देखो तुम ये मत समझना ये पैसा अगर तुम्हें कभी भी राज्य में ऐसा लगेगा कि तुम कम हो गए पहले से डर, मैं गारंटी देता हूं कि मैं जितनी भी कमियों का मुंह ना कर पाई और यहां से भर पाई, बोला गया इसके बीच में अब जीएसटी और एसजीएसटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे बेचेगा ना तो ये लगा सकता है ना तो ये लगा सकता है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो बोला गया यहाँ पे जब लगाएंगे तो हम लगाएंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज एक और टैक्स आ गया जब हमारा अदर स्टेट में चला गया, जब चला गया हमारा अदर स्टेट में, तो यहाँ पे जो टैक्स लगा दैट इज हमारा लगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तो सिर्फ हम नाम को समझ ले क्यों क्यों ऐसा नाम रखा, सकते हैं कैलकुलेशन में सेवन ओ क्लॉक अभी स्टार्ट होगी 7 o'clock और अभी चलेगी ये क्लास लगभग जीएसटी को, जब तक हम देखते हैं कितनी देर तक चलेगी, वो बोला भी आ रहा है टेस्ट देना है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया, यानी सर हमारे टैक्स बढ़ गए स्टेट के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी, यूपी में यूपी जीएसटी सीजीएसटी, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए तो आईजीएसटी। सर राज्य की बात हुई, अगर एक यूनियन टेरिटरी से अगर दिल्ली में आ रहा तो तब भी आईजीएसटी, ठीक है ना? और आईजीएसटी जब किसी में नहीं बटेगा तो मैंने बोला 18% रेट है, तो पूरा 18% ही लगेगा आईजीएसटी के दो टुकड़े, अगर मैं दिल्ली का सामान दिल्ली में बेचूं और बोलूं रेट 18% है, दैट मींस आपका 9% सेंटर के पास जाएगा और 9% स्टेट के पास। अब सर जीएसटी लाने का क्या बेनिफिट हुआ मेजरली, देखिए अगर मेन फायदे की आप बात करो ना जीएसटी लाने की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले होते हैं फैक्ट्री जिसे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं,
एक तरीके से फैक्ट्री, यहां पे माल बन के तैयार होता है। सपोज करो यहां पे 100 रुपए का माल बन के तैयार होता है, तो मतलब अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके इसके ऊपर टैक्स लगा हमारा, मान लेते हैं 10% टैक्स खर्चे का दे सकते हो, ठीक है 10 रुपए का। तो मैन्युफैक्चरर के बाद एक और आगे चेन आता है, दैट इज होल सेलर। और भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम मोटा मोटा बात समझते हैं, ठीक है होलसेलर। अब जब होलसेलर आएगा तो होलसेलर आने के बाद यहां होलसेलर आ गया, अब होलसेलर के पास जो सामान पहुंचा वो कितने का पहुंचा, 110 का। अब होलसेलर ऐसा तो नहीं 110 को ही 110 में बेचेगा, पहले इसमें प्रॉफिट आएगा। सपोज करते हैं इसने अपना इसमें प्रॉफिट बनाया 400, हो गया कितने का। अब इसके ऊपर ये टैक्स ऐड हुआ, दैट इज हमारा 10% की बात चल रही है, तो ये सामान हो गया है 162। अब ये जो बेचेगा ना, दैट इज यहां पे वो होगा रिटेलर, यानी नॉर्मल सबसे लास्ट जो दुकानदार होगा। इसको सामान कितने का पड़ा, 165। लेट्स अज्यूम कि इसने यहां पे 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसने इसमें प्रॉफिट कितना जोड़ लिया, प्रॉफिट जोड़ लिया 35, कितने हो गए 200। अब फाइनली ये क्या करने वाला है सर, इसको बेच देगा जाके किसको, कंज्यूमर या फिर कह दो कस्टमर। जब ये कस्टमर को बेचेगा फाइनली जाके, तो ऐसे सिचुएशन में फिर से 10% का टैक्स लगाएगा, दैट इज आपका 20 रुपए। कस्टमर को ये सामान कितने का पड़ेगा, ठीक है। ये था जब हमारा ओल्ड टैक्सेशन मेथड था, ओल्ड जो सर करता था वे। अब जीएसटी में क्या था, सपोज करो जीएसटी में क्या फायदा हो, सबसे पहले यहां पे जो है वो अगेन वो है मैन्युफैक्चरर, जिसको हम फैक्ट्री का नाम दे रहे थे। अगेन इसका सामान वही रेट, एग्जाम्पल के 100 रुपए, इसके ऊपर टैक्स लगाया है 10 रुपए का। अब ये सामान किसको बेचेगा, होलसेलर को। अब होलसेलर को सामान ये सेम 110 में पड़ता है, ठीक है, यानी जो गुड्स इसको पड़ा है वो कितने का पड़ा है 110। अब यहाँ पे जितना प्रॉफिट ऐड किया था मैं, यहाँ पे भी वही प्रॉफिट ऐड करूंगा ताकि डिफरेंशिएट आपको पता चल जाए। इसने प्रॉफिट इसमें कितना मार्जिन ऐड किया, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही लेते हैं 40, सामान कितने का हो गया 150, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है सामने, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150। अब सर इसके ऊपर इसको क्या लगाना है, इसके ऊपर टेस्ट करना है, कितना लगेगा। अब इसने पहले कभी टैक्स का पेमेंट करा, इसने इससे पीछे टैक्स का पेमेंट किया, क्योंकि 10 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है। यहाँ पे टोटल कितना बन रहा था 15, तो 10 रुपए 15 रुपए टोटल बन रहे थे, जिसमें से 10 ऑलरेडी दे चुका है, तो इसे कस्टमर से तो 15 वसूलने हैं, लेकिन सरकार को जो है ना इसको 5 रुपए ही देना पड़ेगा, क्योंकि 10 ऑलरेडी पेड। तो यहां पे जो टैक्स ये लगा रहा है ना, जैसे कि 15 माइनस कर दे या 10, जो हमने टैक्स कस्टमर से लिए 15 और पहले हम दे चुके हैं कितना 10, यानी मेरे पॉकेट से नेट कितना गया 15।
₹5 टैक्स गया, और यहाँ पे देखा जाए तो मेरा जो कॉस्टिंग आ जाएगा जो कस्टमर से मैं लूंगा 100, यानी जो टैक्स हम पहले दे चुके हैं यहाँ पे, तो हर स्टेज पे सरकार को टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है पूरा पूरा। यहाँ पे जितना पहले पेमेंट हो चुका था उसको नहीं देना, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट यहाँ पे 165 का पड़ रहा था, यहाँ पे कितने का पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रॉफिट मार्जिन में कोई कमी नहीं है। पहले भी मैं कितना कमा रहा था 40, यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जरूर गिर गया। पहले वाले केस में गवर्नमेंट को ₹25 का टैक्स जाता था, लेकिन अब टोटल 15 ही जाना है। अब ये सामान किसको बेच देगा सर मार्केट, ये सामान आगे लेके जाएगा, उसको आगे लेके ये लेके जाएंगे किसके पास, रिटेलर, और रिटेलर को सामान कितने का मिला 100, अगेन वो प्रॉफिट ऊपर वाले जो लेते हैं कितने का जोड़ेगा 35 का, और 35 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 190। यहाँ पे 10% टैक्स की बात करें तो टैक्स कितना बनेगा, जब भी 15 पहले पेमेंट हो चुका है 5 इस जगह पे 10 इस जगह, यानी इसमें से हमें 15 पहले माइनस करना पड़ेगा, जो इसमें से माइनस कर रहे हैं ना जो पीछे पेमेंट हो चुका दैट इज इनपुट, इसको इनपुट भी कहते हैं, आगे हम देखेंगे। तो अब सिर्फ ₹4,194 का बना, और 194 का प्रोडक्ट बनने के बाद हुआ क्या, अब रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को। तो जब ये कस्टमर को बेचेगा तो मान लेते हैं कि कस्टमर को ये सामान जो है कितने का पड़ गया, जो पहले कितने का पड़ रहा था, तो कस्टमर के लिए जीएसटी रहने का सामान क्या हो गया। लेकिन एक्चुअल मायने में जब मार्केट में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो सभी ने बोला भाई जीएसटी की वजह से सामान महंगे हो गए, क्योंकि इसके बीच का जो फायदा हुआ ना वो मैन्युफैक्चरर ने खुद रख लिया, आपको दिया ही नहीं इसका फायदा, उन्होंने रेट ही बढ़ा दिया। जहां पे प्रॉफिट बोलते थे पहले 165 का बेचते थे, पहले 40 का प्रॉफिट ऐड करते थे, अब एक काम करें यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दे 50 ऐड कर दे, तो घूम फिर के उसने रेट को नीचे किया। क्या आपने देखा कि ₹10 वाला लीज ₹9 में बिकने लगती है, नहीं देखा, लेकिन टैक्स बेनिफिट हुआ इनको। लेकिन सरकार को उसमें क्या फायदा हुआ कि इसके अंदर सरकार के फायदा ये हुआ क्योंकि इजी हो गया, और सरकार ने हर बिजनेस के लिए मैंडेटरी कर दिया कि भैया तुम्हें जीएसटी भरोगे तभी तुम्हें फायदा देंगे, तुम्हें लोन लेना है तो जीएसटी देंगे। हमने बहुत सिंपलिसिटी किया, इससे क्या हुआ नंबर ऑफ जो यूजर्स थे वो बढ़ गए। एक होता है ना हमने प्राइस डाउन किया, और आपका अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट में पहुंच जाओगे, लेकिन आपका प्राइस बढ़ा दिया और क्वांटिटी कम है, बहुत कम है, तो आप कहीं ना कहीं लॉस नहीं हो। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या हो गया, रजिस्टर्ड यूजर्स ज्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ करवाना ही बढ़ा दिया। क्या रिटेल बना के गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हर किसी को जीएसटी नहीं देना। पहली बात अगर मैं बोलूं कि भैया एक सब्जी वाला नॉर्मल है उससे बोलूं कि भैया तुम जीएसटी पेमेंट करो, तो वो नहीं कर सकता पेमेंट, क्योंकि उसे डिमांड में नहीं, और वो बोलेगा भैया मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जीएसटी। तो एक बोला गया कि कौन से दुकानदार को हम एक अच्छा दुकानदार बोलेंगे कि जिसके पास अच्छी इनकम हो रही है, तो बोला कि इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक बांटते हैं नॉन हिली एरिया। सर ये नॉन हिली एरिया कौन सा होता है, वो जो कि नॉर्मल जहां समतल होता है, एक हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और दिल्ली नॉन हिली एरिया में, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना वहां पे जो होता है लोग वहां सिर्फ अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाने का वहां पे सोर्स नहीं होता, इतना ज्यादा वहां बिजनेस नहीं चलता। तो सबसे पहले नॉन हिली एरिया में बोला गया था कि अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर, यानी टर्नओवर का मतलब सेल्स, सप्लाई का मतलब है सेल्स, अगर आपका सेल्स गुड्स का हो और विद इन स्टेट हो, तो उसको विद इन स्टेट को पता है क्या बोला गया, इंट्रा स्टेट, इन अ ईयर अगर 40 लाख और उससे ज्यादा है तो आपको कंपल्सरी है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर मेरी सेल, अगर पहली की बात करूं, मैं 39 लाख रुपए की सेल है गुड्स से, तो मेरे को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ मेरी 40 लाख रुपए सेल, एक लिमिट सेट किया गया, यानी उनके नजर में 40 लाख रुपए जो साल का सिर्फ बिक्री करता है, सेल्स करता है, वो मामूली इंसान नहीं है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, अकाउंटेंट रखना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट। और वही चीज अगर हम बात करें
ग्रॉस टर्नओवर इन सर्विस, क्योंकि सर्विस के अंदर इतनी ज्यादा सेल्स नहीं होती। अगर सर्विस की बात करें तो वहां पे लिमिट काफी कर दिया है 20 लाख। यानी अगर आप गुड्स को बेचते हो तो ऐसे सिचुएशन में, गुड्स की सिचुएशन में आपकी सेल कितनी होनी चाहिए? 40, और सर्विस के केस में 20 लाख। आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। और ये लिमिट ना टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है? जो अभी एप्लीकेबल चल रहा है एजुकेशनल पॉइंट पे, मैं उसकी बात, बाकी हर टाइम चेंज हो जाता है। ये 50 लाख तक भी जा चुका है, कई जगह पे 2 करोड़ भी चला गया। अलग अलग चीजें होती है, उसको ज्यादा अपडेटेड नहीं है। लेकिन अगर हिली एरिया है और आपका सप्लाई है, तो वहां पे बोल दिया गया सिर्फ 20 लाख रुपए गुड्स के लिए और 10 लाख रुपए इसके लिए कर दिया गया। लेकिन बोला गया अगर आप इंटर स्टेट यानी यूपी से दिल्ली में सामान भेजते हो, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेज रहे हो, तो भैया आप नॉर्मल पर्सन नहीं रहेंगे, आप नॉर्मल पर्सन नहीं रहेंगे। अगर आप बेचते हो तो नॉर्मल पर्सन आप नहीं रहे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हो तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, और नॉर्मल पर्सन नहीं हो तो उस केस में आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका सिंगल रुपी भी हुआ ना, इवन सिंगल रुपी भी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बार वॉइस चेक करना, मेरे को लगा कि वॉइस आ रही थी या नहीं आ रही थी। एक बार बताइए फटाफट, जितने बच्चे लाइव है, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही? पहले तो बच्चों ने बोल दिया था क्लियर है, मुझे लग नहीं रहा था कि क्लियर आ रही है। लेगा फोन पे दे रहा है, इसको फोन पे दे रहा है, अपने आईडी नंबर से। वॉइस क्लियर है? एक बार बताइए जितने बच्चे लाइव हैं, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इसका मतलब सर, मैं पहले इस वाले पॉइंट पे आता हूँ, फिर पीछे भी आ जाऊंगा। इस पॉइंट पे क्या है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी सामान बेचते हो, तो उस केस के अंदर आपका सिंपली 1 रुपए का भी सामान बेचोगे तो आप जीएसटी के अंदर कवर्ड हो जाते हो, ठीक है? जीएसटी के कुछ रेट्स हैं, जैसे कि एक 0% भी रेट लगता है, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% का मतलब है कि उस सामान पे अभी टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उस सामान पे टैक्स लगाया जाए तो उस पे टैक्स लगेगा। और 5% पे कौन कौन आएगा, सरकार ने सारी लिस्ट निकाल रखी है, वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अभी जब आप सेमेस्टर 6 में जाओगे, तब आपका जीएसटी कोर सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे आपको ये सारी लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि किस पे कितने परसेंट लगेगा, वो बीकॉम फाइनल ईयर में जाओगे तो, ठीक है ना? तो सर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा हमारा जीएसटी का कुछ थोड़ा सा इंट्रो है। जैसे आपने बोला कि इसने कितने जोड़े, हाँ, तो 15 हो रहा था, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। टैक्स का वो कस्टमर से लेगा ना, तो कस्टमर तो इसको 19 देगा, उसमें से पिछला काट देगा जो पेमेंट कर चुका है खरीदने में, वो तो एडजस्टमेंट होता रहेगा, ठीक है? और ये एग्जाम्पल मैं अगेन बता दूं, 100% एक्यूरेट एग्जाम्पल, क्योंकि अगर मैं एक्यूरेट एग्जाम्पल दूंगा तो पूरा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस से इतने ज्यादा है नहीं रिलेटेड, तो एक समझाने के पर्पज के लिए, ठीक है? अब हम आगे आ जाते हैं, चलिए हम बात करते हैं अगेन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं, तो सर जीएसटी को कैटेगराइज करा जाए तो जीएसटी हमारे दो चीजें हैं। एक जीएसटी लगता है विद इन स्टेट, जिसको हम बोलेंगे, इंट्रा,
है ना, जिसको बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट। और यहां पे दो तरीके का जीएसटी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, एक हो सकता है एसजीएसटी और इसके साथ सीजीएसटी, या फिर हो सकता है यूटीजीएसटी और इसके साथ सीजीएसटी। ये कॉम्बिनेशन बैठ सकता है यहां पे अगर इंट्रा स्टेट हुआ तो। हाँ, इंटरनेशनल में आईजीएसटी लगेगा। अगर होता है ये आउट ऑफ स्टेट, हम इंटरनेशनल में भी उसे हम एक आउट ऑफ स्टेट ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर हुआ आउट ऑफ स्टेट तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लगने वाला है ओनली आईजीएसटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि भैया हमारे जीएसटी का जंजाल कितना है, ये लगने वाला है, ऐसे ऐसे लगेगा। अगर यहाँ 18% रेट बोलूँ तो नो, यहाँ 18% रेट बोलूँ तो नो, और यहाँ 18% रेट बोलूँ तो सिंपल 18%, इससे ऊपर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। जब कभी भी हम कुछ भी सामान सेल्स करेंगे, या सेल्स की बात करते हैं, हमारे लिए तो अभी सेल्स ही है, या फिर मैं सिंपल बात कर देता हूँ, जब कभी भी आपका कैश रिसीव होता है ना, हर चीजों पे नहीं, कुछ एक पॉइंट पे, जैसे रेंट रिसीव हो गया या अलग पॉइंट, जब कभी भी आप सेल्स करते हो यानी रिसीव कर रहे हो, तब हमेशा आपका सेल करने का मतलब क्या होता है, सेल करने का मतलब होता है सामान बेचना, सामान बेचने का मतलब आपके दुकान से सामान आउट होना। तो यहां पे जो जीएसटी लगता है दैट इज आउटपुट जीएसटी बोला जाएगा। कौन सा जीएसटी बोला जाएगा? आउटपुट। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपका 100 रुपए का सामान है, आप बेचोगे, 10 रुपए का मान लेते हैं टैक्स ऐड किया, तो आपने जो सामान बेचा टोटल 110 का बेचा, किसको बेचा, किसी कस्टमर को 110 का बेचा, तो 100 रुपए तो आपके हो जाएंगे और 10 रुपए किसके हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी टैक्स का पैसा कलेक्ट आप करते हो, ये पैसा आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट के को। तो इसलिए जो आउटपुट जीएसटी है इस पूरे एग्जाम्पल में वो कितने रुपए है, 10 रुपए, और ये 10 रुपए आपके लिए लाइबिलिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि आपके पास सरकार का पैसा आया हुआ है और आपको सरकार को रिटर्न करना है ये पैसा। अगर आपने परचेज किया या आपने पेमेंट किया, हर किसी पेमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता ये, मैं अगेन कह रहा हूं, जैसे सैलरी दे रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। अगर परचेज या पेमेंट किया तो आपने टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिया, तो इसको बोला जाएगा इनपुट। तो परचेज करते टाइम पे आप टैक्स दोगे ना दुकानदार को, तो आपने भी सामान बेचा नहीं लेकिन टैक्स तो आपने पहले दे दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में ये टैक्स का पैसा एडवांस में सरकार के पास होता है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट माना जाएगा। और जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पेमेंट करते हैं ना, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पेबल होता है वो क्या होता है सर, वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। सपोज करो यहां 10 आया और खरीदते टाइम पे मैंने सरकार को 8 रुपए पेमेंट कर दिया है, तो नेट में जो मुझे पेमेंट करना होगा ओनली 2 रुपए गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, इसको हम आउटपुट टैक्स या टैक्स लाइबिलिटी भी बोल देते हैं। यहां तक समझ में है? यानी सर अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो टैक्स कितने टाइप के हो गए, जीएसटी तो है लेकिन इसके अंदर सी जीएसटी, एस जीएसटी, उसमें भी पंगा आ गया इनपुट और आउटपुट। हमेशा याद रखना, सेल्स करते टाइम पे क्या लगेगा, आउटपुट, और परचेज करते टाइम पे क्या लगेगा, इनपुट। ठीक है, चलिए सर। यानी सर अगर ये लाइबिलिटी है तो ये क्या होना चाहिए, और ये एसेट्स है तो ये क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने कहा मैं एक जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं,
मैंने गुड सोल्ड किया, छह हजार, एंड जीएसटी 18%। अब इस सवाल में आपको वैसे पता नहीं चल रहा कि भैया कहाँ है, सेंटर में है, स्टेट में, कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप मान लो स्टेट के अंदर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी सिंपल एंट्री जो सेल्स की करते हैं ना, वो हम क्या करते हैं पता है, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, सेल्स तो हमारा 6,000 ही है। अब इसमें जीएसटी ऐड हो के मैं कस्टमर से लूंगा, तो अगर मैं देखा जाए तो 6,000 में मैं कस्टमर से लूंगा सीजीएसटी के नाम का, कितने रुपए लूंगा सीजीएसटी नाम का, एक मतलब 9%, ये तो 6% है, 9% लूंगा सीजीएसटी, आधा हो जाएगा ये रेट, तो 9% कितने होंगे 540, और प्लस एसजीएसटी के लूंगा मैं 540, यानी टोटल आ जाएंगे मेरे पास 7,080। क्यों 6,000 है, तो ये भी तो जोड़ूंगा ना कैश में, तो ये देंगे ना कस्टमर 7,080 देंगे ना कस्टमर पैसा, और टू में आ जाएगा हमारा आउटपुट सीजीएसटी, और टू आउटपुट 540। ये कैलकुलेशन थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ये जनरल एंट्री है, ये देखिए और जिनको जनरल एंट्री मान लेते हैं कि क्लियर नहीं है स्टार्टिंग में, सपोज जनरल एंट्री उन्होंने नहीं करा हुआ, और जो बच्चे साइंस वगैरह के होते हैं ऑनलाइन में, तो उनको पहले 11वीं की जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके उनको सॉर्ट आउट होगा। मैं कंटेंट में 11th वाले भी कुछ जनरल एंट्री डलवा दूंगा, बेसिक्स वाले जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूं कि गुड्स रिटर्न 600 रुपए, अब रिटर्न हो गया, जब ये रिटर्न हुआ तो सेल्स के टाइम पे हमने जीएसटी को क्रेडिट किया था, और कौन सा जीएसटी क्रेडिट किया था, आउटपुट जीएसटी। लेकिन जब गुड्स रिटर्न होता है ना, तो जीएसटी आपकी वापसी कर दिया, तो सरकार को देना अब आपको टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो आपका जो आउटपुट जीएसटी है उस टाइम पे डेबिट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे एंट्री क्या होगा आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री तो आपको पता ही है, और टू जिससे रिटर्न हुआ है दैट इज आपका मोहन है, तो मोहन। अब भैया रिटर्न जो हमने किया है सामान, वो सामान हमने रिटर्न किया है कितने का, 600 रुपए का, तो यहां पे तो 600 आ जाएगा, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी 54, और आउटपुट एसजीएसटी वो भी 54, यही होगा ना, टोटल देखा जाए तो 700। अब मेरा बस ये समझाने का पर्पस था कि जब हम नॉर्मल चलते हैं तो उसका नेचर वही रहता है, जब गुड्स रिटर्न हो जाता है तो उसका चेंज हो जाता है। आप कहोगे ना कि सर आउटपुट जीएसटी जो है वो क्रेडिट होता है, तो बिल्कुल सही है नॉर्मल केस में, लेकिन रिटर्न के केस में ये क्या हो जाता है, डेबिट, रिवर्स करना पड़ता है। कर तो दिया, पहले आपका 540 था, अब 54 ले रहा हूं, जित नहीं, रेट वही रहेगा, जिस रेट का आपने कस्टमर से लिया है उसी रेट पे उसको वापस करोगे, नहीं तो आप, मैं आपको वापसी करूंगा तो आप बोलोगे नहीं कि पहले तो आपने टैक्स के नाम पे मेरे से ज्यादा पैसे लिए थे,
अब टैक्स के नाम पे आप कम दे रहे हो मेरे वापसी, कस्टमर भी तो ये चाहेगा ना कि जितने का हमने सामान खरीदा था जब वापसी करूं तो उतने ही पैसे वापसी मिले हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं परचेज का, आप सिंपल जर्नल एंट्री बताना, मैं कहूं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीस 10,000 एंड IGST 5%। अब जनरल एंट्री क्या होगा इसका, देखो 10,000 का सामान है, इसके ऊपर IGST ऐड हो जाएगा, दैट इज 5% कितने होंगे, और ये आ जाएगा 10,000। और सामान मोहन को बेचा है तो उधार बेचा है, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट में कितने का सामान खरीदा है सर, 10,000। और यहाँ पे जो ये GST होगा परचेज करते टाइम पे, अभी देखो बताया था परचेज करते टाइम पे कौन सा होगा, और इनपुट एसेट्स होता है तो दैट इज क्या होगा डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब 5% यानी 500, और सारा का सारा पैसा हमें लेना है मोहन से, और कितने लेने हैं मोहन से, 10,500। बिंग वगैरह ज्यादा जरूरी नहीं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आप। सेम अगर मैं कह दूं यहां पे गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीस 1,000, अगर मैं कह दूं तो अब यहां पे क्या होगा, रेट जो है, अगर मैंने नहीं दिया रेट तो आप समझ जाना यही रेट वाला वापस होगा। आपको रेट ना बताए तो आपको क्वेश्चन में पता कर लेना चाहिए भैया जितने के रेट पे खरीदा था उतने रेट पे ही वापसी हुआ होगा, तो मैंने रेट नहीं दिया तो सपोज करो अब परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होता है परचेज रिटर्न का, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, अब देखो इनपुट ना यहां पे क्रेडिट हो रहा है, यहां पे इनपुट क्या हो गया क्रेडिट हो गया, और यहां पे आएगा 1,000 और 5% 50, और यहां 1,050। ये देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जो GST है वो GST आपका इनपुट और आउटपुट, एक नॉर्मल केस में तो पता है कि इनपुट एसेट से डेबिट होगा, लेकिन अदर केस में जरूरी नहीं है कि ये डेबिट ही हो, ये क्या हो सकता है हमारा क्रेडिट भी हो सकता है आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। मैंने कहा अब आपने बताना है, मैंने कहा रेंट पेड 1,000 एंड GST 12%। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये तो नॉर्मल एंट्री हमें पता है रेंट अकाउंट डेबिट। अब GST इसमें सबसे पहले आपको पता करना होगा कि भैया इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा। आपको ध्यान रखना है ये बातें कि आप पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो पेमेंट में कौन सा लगेगा और इनपुट है तो क्या होगा डेबिट होगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था। तो यानी यहां पे लग जाएगा, मैं कह देता हूं सपोज करो थोड़ा कम लेंदी करने के लिए इसको IGST कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा इनपुट IG अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हो जाएगा रेंट पे, आपका 1,000 रुपए का रेंट था जी,
120 और टोटल ये, यानी ये आपको तभी पता चलेगा जब पूरा कॉन्सेप्ट याद हो कि भैया इस पे इनपुट लगना चाहिए या आउटपुट, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको कभी भी, समझ रहे हो। अगर मैंने कहा कैश रिसीव फ्रॉम कैश रिसीव, या चलिए ये बन नहीं रहा, आपको नॉर्मल पता तो चल गया ना कब क्या लगना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है पॉइंट सारा, कोई दिक्कत इसमें? यानी अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं स्टार्टिंग से, जो जीएसटी को हम बड़े ध्यान से और स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि सर जीएसटी के अंदर दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स क्यों आया? तो क्योंकि गवर्नमेंट को आपको जो बेनिफिट देना होता है, रोड, स्ट्रीट, पार्क, ये सारी चीजों पे जो खर्च होता है वो यही टैक्स से लेता है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसका एक और नाम है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स और चाहे डायरेक्ट टैक्स बोल लो, अगर गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है पेमेंट से तो डायरेक्ट टैक्स है, और ये सीधा पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके नाम इतने सारे हैं, जिसके दुकानदार आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को देता है, और ये सारे के सारे क्या है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हीं टैक्स को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि क्या था? जीएसटी का नाम लिया। सर जीएसटी का हिस्ट्री 1954 का है, 160 कंट्री में है ये ऑलरेडी पहले से। इंडिया में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में बोला कि जीएसटी आना चाहिए, और एक काउंसिल का इन्होंने गठन कर दिया, कमेटी का। और 2004 में जो कमेटी बनाया था केलकर टास्क फोर्स, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। 2006 में पी चिदंबरम ने कहा कि भैया जीएसटी 2010 तक आ जाना चाहिए, लेकिन 2010 तक जीएसटी तो आया नहीं। तो इसके बाद 2014 में जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि भैया अमेंडमेंट कर दिया है, जीएसटी आ जाना चाहिए, लेकिन ये लोकसभा में तो पास हो गया बिल, राज्यसभा में रुक गया। फिर 2015 में भी राज्यसभा में पास करवा लिया गया इस बिल को। इसके बाद 2016 में राज्यसभा में जब बिल पास हुआ तो उसमें अमेंडमेंट आया 101 कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक जीएसटी काउंसिल बना दिया गया कि भैया जो भी फैसले लोगे तुम्हें एक अलग बॉडी बना दिया गया। मार्च 2017 में फैसला हुआ कि जीएसटी को चार भाग में बांट देंगे, और जो कि अलग अलग होगा। कहा गया कि कंपनसेशन बिल होगा एक, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके कम पैसे पड़ रहे हैं तो हम कंपनसेट करेंगे, तो दैट इज कंपनसेशन बिल फॉर सेंट्रल जीएसटी, आपका लेजिस्लेटिव वर पास इन लोकसभा। और चार कौन कौन से बने? आपका सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, इन सबको अलग अलग नाम देके 1 जुलाई को इसको क्या कर दिया गया? पास। जैसे कि ये सारा का सारा आप देख सकते हो यहाँ पे नाम, कहता है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। कितने हो गए टोटल? चार। इनको चार जो सेंट्रल टैक्सेस थे इनको बना के पास कर दिया गया। 1 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई को अप्लाई नहीं हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में 7 जुलाई से अप्लाई हुआ था। आगे देखा जाए तो जीएसटी के अंदर जब रेट होता है तो दो लोगों में बढ़ जाता है, एक सेंटर के पास बढ़ जाता है और एक किसके पास बढ़ जाता है? स्टेट के पास। और ये दोनों आधा आधा कर लेते हैं, इनकी सहमति बन गई थी। इंडिया के अंदर स्टेट सीएम है, और जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर गवर्नर गवर्न करता है। तो यहाँ पे एक और जीएसटी आ गया, दैट इज यूटी जीएसटी। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम बात करते हैं जीएसटी का, तो स्टेट के अंदर लगेगा सी जीएसटी और एस जीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में लगेगा यूटी जीएसटी और सी जीएसटी, और अदर स्टेट में जब हम सामान बेचेंगे तो वहां पे लगने वाला है आई जीएसटी। इसके बाद बात हमने करा था यहाँ पे जो ये देख रहे हो इम्पैक्ट के टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। इसके बाद देखा जाए तो टर्नओवर के बेसिस पे 40 लाख और 20 लाख नॉर्मल स्टेट के अंदर, और हिली एरिया में वो 20 और 10 हो गया, लेकिन आईजीएसटी कितने का भी करो आपको देना ही देना पड़ेगा।
जीएसटी को पार्ट कर दिया जाए तो सर विद इन स्टेट होता है और आउट ऑफ स्टेट होता है। विद इन स्टेट को हम इंट्रा स्टेट कहेंगे, आउट ऑफ स्टेट को क्या कहेंगे हम इंटर स्टेट। सर विद इन स्टेट में दो सर्कमस्टांसेस बन सकता है, हो सकता है कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रहा है और हो सकता है नॉर्मल स्टेट की बात हो रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स, और आउट ऑफ स्टेट में सिंगल टैक्स दैट इज आईजीएसटी। इसके बाद देखा गया कि जब कभी भी सेल्स करोगे या पैसे रिसीव करोगे, मैं जनरली पैसे रिसीव वाले को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए समझने में, तो वहां पे आउटपुट लगेगा और आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, और जब परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे तो इनपुट एसेट्स हो जाएगा। यहाँ पे गुड्स हमने सोल्ड कर दिया दैट इज इसकी जर्नल एंट्री, और रिटर्न हो गया तो इसकी जर्नल एंट्री, और सेम ऐसे यहाँ पे गुड्स परचेज किया उसकी जर्नल एंट्री रिटर्न। अब सपोज करो कि मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि यानी जब जब आपका परचेज कम होगा, जैसे कि मान लेते हैं मैंने सामान खरीदा हुआ है और मैं कहूं कि मैंने गुड्स को यूज किया फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, और 1,000 रुपए का, और इस पे 5% का आईजीएसटी लगा था, तो जो गुड्स पर्सनल यूज करते हो तो एंट्री पता क्या होता है, ड्रॉइंग टू परचेज, जनरल एंट्री नॉर्मली ये होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन अब तो जीएसटी भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें कैसे होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और क्योंकि परचेज आपका क्रेडिट हो रहा है तो परचेज के टाइम पे कौन सा जीएसटी लगा था ये सोचो, इनपुट। अब इनपुट डेबिट होता है लेकिन क्योंकि ये परचेज रिवर्स हो गया तो इसलिए हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे दैट इज इनपुट। तो ये हो गया हमारा 1,000, सॉरी 1,000 परचेज, और रेट मान लेते हैं कि हमारा 10% है तो 100 रुपये, और ये हो गया 1,100। सेम ऐसे कब कब रिवर्स हो सकता है, आप फ्री सैंपल में गुड्स दोगे तब हो जाएगा, जब आप गुड्स से कोई एसेट्स बनाओगे तब हो जाएगा, जब आपका लॉस बाय फायर हो जाएगा, आपने देखा पहले जो आपने देखा था गुड्स यूज वाला पूरा टॉपिक एडजस्टमेंट किया था, तो अगर वहां जीएसटी इन्वॉल्व है तो हर किसी में जीएसटी इनपुट इनपुट क्रेडिट के साथ जाएगा। यानी अब जो हम ड्रॉइंग माइनस करेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो 1,000 रुपये माइनस नहीं करेंगे कैपिटल से, हम ड्रॉइंग माइनस करेंगे टोटल 1,100 रुपये कैपिटल से माइनस, समझे। तो वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेशन कैसे होगा तो वहां तक हम देखेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब हमारा एक रहता है सेट ऑफ जीएसटी, पहले यहां तक देख लीजिए पूरा क्लियर है तो एक बार जिस जिसको नोट करना है क्योंकि नोटिंग में भी आपका टाइम जाएगा तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए ये सारा।